here. Thank you. Thank you very much. ये थी सेवक आशी, कैसी लगी एक बार ताली बजाकर? मैंने वादा किया था नए और पुराने दोनों अंदाज पेश करेंगे, तो आपने नया अंदाज भी देख लिया पुराना। अब मेरी कॉमेडियन की लिस्ट में एक ही कॉमेडियन बाकी है। 2005 में जब ये आया था द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज, तो विनर हुए थे सुनील पाल, फर्स्ट रनर अप था मैं, सेकेंड रनर थे राजू शिवास था, लेकिन टॉप 10 में सबसे ज्यादा हंगामे वाला एक आर्टिस्ट था, उसका नाम था दासी बरेलिया। एक दिन जज बनकर आए थे हमारे सामने, जो सबसे ज्यादा बोल्ड पहनते बप्पी लहरी जी, उनके सामने उनको हंसाने वाला आर्टिस्ट, उनके आइटम पे उनको हंसाने वाला आर्टिस्ट, मैं सीधा सीधा आवाज देता हूँ दासी बरेलिया, जोरदार तालियों से स्वागत करें, आप बीच में आ रहे हैं दासी। मालिक उनको शांति दे, कितने अच्छे अच्छे गाने यहाँ पर बजे, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्या हवा में उड़ता जाए राम की जय, याद बुलिया क्या ये गाने बजे, इसे कहते हैं गाने। और आजकल के गाने टाइम वेस्ट, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तो काम पे बंदा भाग जाएगा, दिल्ली से एक पूरा पूरा से नहीं पटना फिर भी ना मिला सजना, क्यों भाड़े खराब करी है, इधर मुंबई में आ जाओ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो साले बीच में कहाँ जाता है, देखा है पहली बार साजिन की आंखों में प्यार के पहले के तेरे को बटाटे दिखते थे, ऐसे ऐसे गाने निकल पड़े, दिमाग खराब कर गए। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, आई सॉरी एंड लेडीज एंड जेंटलमैन एंड डोनेशन, सभी दाताओं को दासी बरेलिया की ओर से नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार और ढेर शुभकामनाएं, और इतना अच्छा सुंदर कार्य कर रहे हैं इसलिए दासी बरेलिया की ओर से आपको सलाम, सैल्यूट और प्रणाम। ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा था और मैंने किसी को आवाज दे दी, क्या आप में से कोई गाना गाया? कोई नहीं आया। मैंने कहा कोई तो आप स्टेज पर, कोई नहीं आ रहा। एक सिंधी भाई आ गए, एक सिंधी भाई आ गए स्टेज पर, मैंने कहा आप गाना गाएंगे? अरे बाबा गाएगा नहीं, अरे बोला लेते जुले गाओ बाबा गाएगा। मैंने कहा आप अपने डॉगी को लेकर आए हैं, जरा अपने कुत्ते को नीचे रख दीजिए, और आप अकेले गाइए, कुत्ते को कुत्ता मत बोलो कुत्ते, मैं कुत्ता नहीं हूँ, ये कुत्ता नहीं है, सर ये कुत्ता है, भोंकता है, भोंकता नहीं है, बात करता है, बात करता है, बात करता है, गाना गाता है। मैंने इसका नाम क्या है? इसका नाम कड़ाचंद बादलानी। मैंने इसका नाम, इसी का नाम कड़ाचंद बादलानी। मैंने कहा आपका नाम? मेरा नाम मोती। इस प्रोग्राम में समझदार लोग फौरन ताली बजाएंगे, बुद्धिशाली लोग खड़खड़ हंसेंगे, उल्लू के बच्चे बाजू वाले को गोली मार के पूछेंगे क्या बात, समझ में नहीं आया। जिंदगी शब्दों को विराम देना, पहला प्रोग्राम
प्रोग्राम होगा हिंदुस्तान का जो नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट एक बार सोलह का एहसान कुरैशी नाइट और अपने स्टारों के लिए थैंक यू वेरी मच आपकी तालियां हमारा आशीर्वाद है। आखिरी चीज फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन नास्तिक है भगवान को नहीं मानते पहली बार मंदिर में जाते हैं डायलॉग आपने सुना होगा मैं शॉर्टकट में सुना देता हूँ वो डायलॉग आप सभी ने सुना होगा वही डायलॉग दूसरे फिल्म स्टार नेता बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे फिल्म दीवार मंदिर वाला सीन अमिताभ बच्चन की माँ भी मारे फास्ट और बहुत कम वक्त में डायलॉग में पेश करने जरूर हालांकि डायलॉग बहुत बड़ा लंबा है सोचिए दूसरे फिल्म का कि माँ बीमार पड़ गया और मंदिर में सभी फिल्म स्टार को पता चल गया नेताओं को पता चल गया कि माँ मंदिर में नहीं मंदिर में ठीक होती है हॉस्पिटल में नहीं और नाना पाटेकर की माँ बीमार पड़ गई सोचिए नाना पाटेकर मंदिर में मंदिर की क्या हालत होगी नाना मंदिर में अच्छा अच्छा है देख भगवान मेरी आंख में सच्चाई है अच्छा आज कुछ तो बहुत हो रहा है ताई ऐसी से बताओ सीखा है आज कुछ तो बहुत हो गया भगवान आज बहुत खुश हो गए तुम मगर है ना आज खुश तो बहुत हो गए देख भगवान ये अंदर से कभी किसी के मन किसी ने नहीं चला कभी चला देख भगवान चला तेरी मेरे बीच में अपना तेरी मेरे बीच में नहीं बाबू बीच में मचाए देख भगवान तेरी बाबू इनमें मचाए तेरी बाबू इनमें वरना पूजा जी को उठा ले राजपाल यादव देखिए अंदाज क्या है भगवान दीदी की लापरवाह बाबा अरे हमारी माँ को बचा लो भोले बाबा उन डॉक्टर ने बीमार कर रखा है माँ को मिलने जाते सारे मिलने नहीं देते 3-3 लाख का बिल हाथ में देते थे भगवान जी एक बार हमारी माँ को ठीक कर दो बाद में तो डॉक्टर को माँ का सागी ना का छोड़े नहीं साले को उन डॉक्टर ने हम गरीबों को मंदिर का झूठा समझ रखा है जब आते हो बचा नहीं चले जाते हमको मारा साला हंसी के बादशाह फिल्म इंडस्ट्री की शान और जिन्होंने गुरु समान मांगा था मरहूम कादर खान साहब जो आज दुनिया में नहीं है मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उनकी आवाज के जरिए कादर खान साहब की मां बीमार पड़े और मंत्री में आया तो कहेंगे कि कादर खान आज खुश तो बहुत हो कि तुम भगवान के फजर से मेरी माँ बीमार पड़ी है और मेरी माँ को कुछ हो गया तो हिंदुस्तान के तख्त को ताश बना लूंगा।